हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी जो वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट। ये क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 40 है। ये 6 अक्टूबर की वर्कशीट है। तो आज की जो ये वर्कशीट है वो मोडाल्स पे जो हमारा डिस्कशन चल रहा है अभी कुछ वीक से, उसी की कंटिन्यूएशन में वर्कशीट है। ये वर्कशीट देखने से पहले आप इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वर्कशीट उन्हें अच्छे से समझ आ जाए। ये जो वर्कशीट है ये गुड मैनर्स के ऊपर है। तो गुड मैनर्स जो है, आप सभी जानते हैं कि ये ऐसी मैनर्स है जिससे सामने वाले को अच्छा लगे, उनको भी गुड फील हो, और ये एक और तरीका है दूसरे को रिस्पेक्ट शो करने का, सामने वाले को रिस्पेक्ट देने का या शो करने का ये तरीका है। तो गुड मैनर्स शो द बेस्ट इन यू एंड एनकरेज अदर्स टू डू देयर बेस्ट टू। तो जैसा आप, जैसे कि एक फेमस कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ऐसे ही जैसे आप जिसको जितनी रिस्पेक्ट दोगे उतनी ही रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। तो जितना आप गुड मैनर्स के साथ दूसरों से बिहेव करोगे उतना ही बाकी आपके साथ भी गुड मैनर्स से बिहेव करेंगे। तो प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स ऑन अ डेली बेसिस मेक्स लाइफ मोर प्लेजेंट। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अब यहाँ पर जो आपकी जो वर्कशीट है वो है मोडाल्स के ऊपर, जो मोडाल्स ऑफ गुड मैनर्स आपको बताए हुए हैं। अब गुड मैनर्स, आपको अगर किसी को रिस्पेक्ट शो करनी है या पोलाइटनेस शो करनी है तो आप कौन कौन से एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं वो यहाँ आपको इस पिक्चर में दिखाए हुए हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं विल यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज, या वुड यू लाइक टू डू दिस प्लीज, वुड यू प्लीज। तो इस तरह से आप ये वाले जो फ्रेजेस हैं, कुड यू प्लीज, कुड यू पॉसिबली, Would you kindly, would you mind, would you be so kind as to, तो ये जो phrases हैं ये आप use कर सकते हैं किसी से politely बात करने के लिए, respectfully बात करने के लिए। ये आपकी good manners, अच्छी आदतें ये दिखाते हैं। The use of modals would, could and should is usually made to show your courtesy to others. तो would, could और should ये तीन modals हैं जो courtesy, respect show करने के लिए use किए जाते हैं। तो दे आर यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो पॉसिबल है, जो हो सकती है, वहां इन्हें यूज करते हैं। कुड इज यूज टू से व्हेन एन इवेंट इज पॉसिबल, अगर कोई इवेंट पॉसिबल है तब कुड यूज होता है। वुड इज यूज टू टॉक अबाउट अ पॉसिबल और इमेजिन सिचुएशन, कोई अगर सिचुएशन आप इमेजिन कर रहे हैं या पॉसिबल है तब वुड यूज होता है। और शुड यूज होता है एडवाइस या सजेशन में, कहीं किसी को सजेशन दे रहे हैं तो शुड यूज होता है। तो इसी पे बेस्ड आपकी वर्कशीट है, जल्दी से वो देख लेते हैं कि वर्कशीट में क्या है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है वर्कशीट का, वो देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या है। तो पहला है आपका, पहला सेंटेंस है यहाँ पर, आपको करेक्ट मोडाल यूज करना है, सिलेक्ट करना है। तो क्या उसमें बताया गया है जल्दी से देख लेते हैं। पहला है वन डैश स्टैंड अप व्हेन एन एल्डर पर्सन एंटर्स अ रूम, जब कोई बड़ा इंसान, एल्डर इंसान जो है रूम में आता है तो आपको खड़ा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक एडवाइस है तो शुड आएगा, वन शुड स्टैंड अप, ठीक है। तो आप यहाँ पर शुड पे, शुड को सिलेक्ट करेंगे। इट इज गुड मैनर्स इफ यू डैश मेक आई कॉन्टेक्ट विद पीपल यू आर टॉकिंग टू। तो ये गुड मैनर्स होती हैं जब आप किसी से बात करते हुए आई कॉन्टेक्ट बनाते हैं। तो इफ यू वुड, तो इट इज गुड मैनर्स इफ यू वुड मेक आई कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पर इफ है इसलिए आप एडवाइस नहीं दे सकते हैं। यू डैश यूज थैंक यू एंड यू आर वेलकम वाइल टॉकिंग टू अदर्स, तो आपको दूसरों से बात करते हुए थैंक यू और यू आर वेलकम यूज करना चाहिए। अब ये एडवाइस है तो यू शुड यूज, आप यहाँ शुड लिख सकते हैं। वैसे तो आप मस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए थैंक यू और यू आर वेलकम तो अच्छी मैनर्स में आता है तो ये तो यूज करना ही चाहिए। लेकिन अगर पोलाइटली बोले तो आप शुड की एडवाइस भी दे सकते हैं, तो यू शुड यूज यहाँ लिख सकते हैं। फिर फोर्थ है, इट इज कंसिडर्ड पोलाइट इफ यू डैश लीव अ थैंक यू नोट, तो अगर आप थैंक यू नोट छोड़ते हैं किसी के लिए तो वो पोलाइट कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ इट इज कंसिडर्ड पोलाइट इफ यू कुड लीव, ठीक है। तो आप एडवाइस नहीं दे रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि अगर आप छोड़ते हैं, ये पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, तो इफ यू कुड लीव तो यहाँ कुड आएगा। Teach children that they dash offer to serve people who enter their home. तो आपको क्या पढ़ाना चाहिए, ये सिखाना चाहिए बच्चों को कि जब भी उनके घर में कोई आए तो वो उन्हें सर्व करे, मतलब खुद से जाके वो अपने गेस्ट को जो है सर्व करे। तो यहाँ पर should आएगा, teach children that they should offer. फिर sixth है, you dash offer to open the door for others.
तो जब आपको दूसरों के लिए गेट खोलने के लिए ऑफर करना चाहिए कि आइए मैं आपके लिए गेट खोल देता हूँ, तो ये अगेन एडवाइस है, तो यू शुड ऑफर टू ओपन द डोर. फिर बाइटिंग नेल्स डैश बी अ कंप्लीट नो फॉर ऑल. नाखून चबाना तो दूसरों सभी के लिए बिल्कुल नो होना चाहिए. शुड या वुड, तो बाइटिंग नेल्स शुड बी अ कंप्लीट नो. तो ये एक सजेशन है, तो अगेन शुड आएगा यहाँ. लिकिंग योर फिंगर्स एट द डाइनिंग टेबल डैश नॉट बी डन. तो अपनी डाइनिंग टेबल पे अपनी उंगलियां नहीं चाटना चाहिए, तो यहाँ पर फिर एडवाइस है ये, तो शुड नॉट बी डन. नेक्स्ट है आपका 9, इफ यू स्नीज और कफ यू डैश यूज अ हैंकरचीफ. अगर आपको खांसी आ रही है या आपको छींक आ रही है तो आपको हैंकरचीफ जरूर यूज करना चाहिए, तो यू शुड यूज. तो ये फिर से एडवाइस है, तो शुड, यू शुड यूज अ हैंकरचीफ. व्हेन यू चू योर फूड यू डैश नॉट ओपन योर माउथ वाइड. तो जब आप खाना चबा रहे हैं तो आपका आपको अपना मुंह जो है पूरा बड़ा नहीं खोलना चाहिए, तो ये यू शुड नॉट, अगेन ये एडवाइस है, तो फिर से आप यहाँ शुड लिखेंगे. फिर नेक्स्ट है आपका ऑफरिंग फूड टू द हंगरी डैश बी अ गुड डीड. अगर आप हंगरी को, किसी भूखे को खाना देते हैं तो वो एक अच्छी आदत है, वो अच्छा काम होगा. तो यहाँ पर ऑफरिंग फूड टू द हंगरी वुड बी अ गुड डीड, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, एक सिचुएशन की जो पॉसिबिलिटी है वो बता रहा है ये, तो ये वुड बी अ गुड डीड. टीजिंग एनिमल्स डैश बी बोथ इनकरेक्ट एंड इमोरल. तो टीजिंग एनिमल्स जो है, एनिमल्स को छेड़ना, उन्हें परेशान करना, वो बहुत ही ज्यादा गलत है और इमोरल है, अच्छी बात नहीं है वो. तो यहाँ पर टीजिंग एनिमल्स वुड बी, तो इसकी श्योरिटी है सिचुएशन की, तो वो वुड बी आएगा यहाँ, कुड नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको पता है कि ये गलत चीज है, तो वुड बी बोथ इनकरेक्ट. फिर 13 है आपका रेजिंग योर हैंड इफ यू विश टू से समथिंग डैश बी अ गुड हैबिट. तो अगर आपको कुछ कहना है और उस कहने से पहले अगर आप अपना हाथ खड़ा करते हैं बोलने के लिए, तो ये एक अच्छी आदत होगी, तो इसलिए यहाँ वुड आएगा. अगेन कुड नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, बल्कि आपको पता है कि ये अच्छी बात है, तो वुड, तो वुड बी अ गुड हैबिट. फिर 14 है आपका ऑफरिंग अ सीट टू द एल्डरली और टू विमेन डैश बी अ काइंड जेस्चर. तो अगर आप किसी वुमन को, किसी औरत को या किसी एल्डरली, किसी बुजुर्ग को अगर आप अपनी सीट देते हैं तो वो अच्छा जेस्चर होगा. तो शुड बी अ काइंड जेस्चर या वुड बी अ काइंड जेस्चर, वो वुड बी अ काइंड जेस्चर. यहाँ एडवाइस नहीं दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अच्छा होगा. यू डैश वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक. आपको अपनी टर्न के लिए वेट करना चाहिए, बोलने से पहले अगर आपकी टर्न आ रही है तभी आपको बोलना चाहिए, बोलने से पहले आपको अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, अपनी बारी का वेट करना चाहिए. तो यू शुड करना चाहिए, तो यू शुड वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक. उम्मीद करती हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. कोशिश कीजिए कि इस वर्कशीट को पहले आप खुद अटेम्प्ट करें और फिर आप आंसर जो है यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं. आप इस अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं. थैंक यू.